जैसा कि हम लोगों ने इस बार टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज आगे पीछे जैसे आप देखेंगे हमारे वेक्टर को, तो हमने शुरुआत से वेक्टर को उठाया था और उसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के हमने आपको वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। उसी तरीके से बाइनोमियल को आगे बढ़ा रहे हैं। बाइनोमियल में भी हम लोग सेक्शन वाइज आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब बाई प्लस नोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि जहाँ पर भी टू टर्म्स की बात आएगी, टू टर्म्स के बारे में या उसके पावर को एक्सपेंशन करना, उसके बारे में जहाँ पर भी क्वेश्चंस के बारे में बात आएगी, तो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलजेब्रा और कैलकुलस में आप जाएंगे, जहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगा रहे होंगे, वहाँ पर भी बाइनोमियल का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन, पहले देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दो एक्स और वन, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इस टाइप की जो भी एक्सप्रेशन होगी उनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, तो यहाँ पर देखिए तीन पद हैं, ये और ये, तो ऐसे ही इस तरह के एग्जाम्पल्स जो भी होंगे जो इस तरीके से, उनको ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसके आगे यहाँ पे मल्टी नोमियल एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ देखो पांच पद दिए गए, मतलब मोर देन थ्री, तो उसको हम मल्टी नोमियल में काउंट करेंगे। बेसिकली हमारे सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम ही है, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मल्टीनोमियल में आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एक सिंपल से जो जनरल हमारा बाइनोमियल का बेनिफिट क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उसके लिए बहुत ये बड़ी बात नहीं है, मगर धीमे धीमे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसके लिए बड़ी बात होती है। अब हम देखो आपके सामने लिखते हैं कि कितना इजली लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए की पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर फोर, ए की पावर फाइव प्लस फाइव ए की पावर फोर बी प्लस टेन ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस टेन ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस फाइव ए बी की पावर फाइव और प्लस बी की पावर फाइव, ए की पावर सिक्स सिक्स ए की पावर फाइव बी प्लस फिफ्टीन ए की पावर फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री प्लस फिफ्टीन ए स्क्वायर बी की पावर फोर प्लस सिक्स ए बी की पावर फाइव प्लस बी की पावर सिक्स, ए की पावर सेवन प्लस सेवन ए की पावर सिक्स बी प्लस ट्वेंटी वन ए की पावर फाइव बी स्क्वायर प्लस थर्टी फाइव ए की पावर फोर बी क्यूब प्लस थर्टी फाइव ए क्यूब बी की पावर फोर प्लस ट्वेंटी वन ए स्क्वायर बी की पावर फाइव प्लस सेवन ए बी की पावर सिक्स और प्लस बी की पावर सेवन। एक बार भी हमारा मार्कर कहीं से इधर से उधर नहीं हुआ, एक फ्लेंटिन मैंने लिख लिया। ऐसे करते करते आप किसी का भी जो अभी आपने देखा है बहुत ही इजली आप इसको लिख सकते हैं। बस केवल हमारा यहाँ पर ये प्रूफ करना नहीं था कि मैथ्स मुझे आती है, बस आगे जो हम करने वाले हैं उससे आप भी इजली किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे कि इजली इतने इजली आप आराम से कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था, आप भी इजली लिख सकते हैं। सिंपल है, बस ध्यान रखिए कि इंडेक्स जो चीज़ बताई जा रही है ध्यान रखिए इसको, इंडेक्स। तो हर टर्म में हम लोग इंडेक्स टू मेंटेन रखेंगे,
पहला वाला टर्म लिखा a की पावर 2 तो b की पावर 0, या दूसरा टर्म लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, हमने पहले टर्म की सबसे हाईएस्ट इंडेक्स लिखी और इसकी सबसे लोएस्ट लिखी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसकी कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसकी बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर भी एक कम करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, बस यहाँ तक। जैसे ही वो 0 मिल गया वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर वही चीज़ फिर से रिपीट करते हैं, इसकी हाईएस्ट इंडेक्स तक जाएंगे ए की पावर 3, इसकी लोएस्ट 0। अब बारी बारी इसको डिक्रीज करते रहेंगे और इसको इंक्रीज, तो ये आएगा पावर 2 और ये 1, फिर ये आएगा 1 और इसकी पावर 2, फिर ये आएगा 0 और इसकी पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से सपोज़ इसको देखते हैं, यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं, ए की पावर 4 बी की पावर 0, फिर यहाँ पे ए की पावर 3 बी की पावर 1, फिर यहाँ पे ए की पावर 2 बी की पावर 2, फिर यहाँ पर ए की पावर 1 बी की पावर 3 और बी की पावर 4। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो आप अब जान ही गए होंगे, रैंडमली किसी को भी उठाएंगे, अगर आप इसको उठाना चाहेंगे तो ए की पावर 7 बी की पावर 0, फिर आगे जाएंगे ए की पावर 6 बी की पावर 1, फिर आगे जाएंगे तो ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब आप देखते हैं कि हमने कोफिशियंट कैसे लिखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 ले चुके हैं, 1 का एडिशन 2 और यहाँ पर भी 1, मतलब शुरुआत और लास्ट में 1 लिखेंगे और इनिशियल पे हम लोग 1 ले चुके हैं, इस 1 का एडिशन 2। अब यहाँ देखें, जब भी हम शुरुआत करेंगे तो 1 लिखेंगे, एंड पे 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर शुरुआत में 1 लिखेंगे, एंड पे 1 लिखेंगे। अब पहला और लास्ट तो 1 से हमने कोफिशियंट 1 और 1 ले लिया, जो बीच वाले कोफिशियंट कैसे डिसाइड करेंगे, इसका सम, तो 1 और 2 का सम 3, यहाँ पर इसका सम 1 और 2 का सम 3, और ये तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब जैसे इसका लिखना है तो 1 और 1 ले चुके थे, अब ऊपर वाली जो हमारा एक्सपेंशन था उसका हेल्प लेंगे, 1 और 3 का सम 4, यहाँ पर 3 और 3 का सम 6, यहाँ पर 3 और 1 का सम 4, और यहाँ पर 1 तो ले ही चुके थे, ये हो गया। जैसे 5 का लिखना होता तो अब देखो लिख सकते हैं हम लोग, ए की पावर 5 प्लस 5 ए की पावर 4 बी प्लस 10 ए की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी की पावर 4 और प्लस बी की पावर 5, इजली लिख लिया। अगर इसका लिखना हो देखिए, आप ध्यान दीजिए, ए की पावर 6 प्लस 6 ए की पावर 5 बी प्लस 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस इसका एडिशन 20, अब ए की पावर 4 था तो ए की पावर 3 बी क्यूब प्लस इसका सम 15 ए की पावर 2 बी की पावर 4, फिर इसका एडिशन 6 और ए की पावर 1 बी की पावर 5 और प्लस बी की पावर 6। यहाँ लिखना होता तो ए की पावर 7 बी की पावर 0 का मतलब ए की पावर 7 और प्लस 7 ए की पावर 6 बी पावर 1 और प्लस 6 और 15 20 बना जाता, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे इजीली हम लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक समस्या हमारी आ रही है कि जब हम इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं, इसका फार्मूला लिख रहे हैं, तो हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है, ये फार्मूला जब हमारे पास होगा तो ये लिख पाएंगे। अब ये फार्मूला इसकी हेल्प से हुआ, ये फार्मूला इसकी हेल्प से हुआ, तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके इजली हम लिख पाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि क्या बिना ज़रूरत, बिना इन सारे फार्मूले की हेल्प से किसी का भी फार्मूला बना सकते हैं या नहीं, उसको हम देखने वाले हैं। सपोज़ ए प्लस बी की पावर 7 लिखना है, तो अब आप ध्यान रखें कि ऊपर वाली जो हमारी फार्मूले थे, टेबल थे, उससे ना ध्यान देके अब हम एक बात केवल ध्यान देंगे कि 7C0 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को हमने इंक्लूड कर दिया, 7C0। अब ए की पावर मैक्सिमम ए की पावर 7 और बी की पावर मिनिमम 0, फिर 7C1। अब एक इसको कम करेंगे ए की पावर 6, इसकी बढ़ाएंगे बी की पावर 1, फिर आगे जाएंगे तो 7C2, इसकी एक और कम करेंगे पावर 5 और बी की पावर 2 हो जाएगा, फिर ऐसे जाके 7C3।
इसका और एक पावर कम कर देंगे, 7 ए की पावर 4 और बी की पावर 3। ऐसे आगे कर करके जिस टर्म पे भी लिखना हो, अगर आपने 7c6 लिखा है तो ए की पावर इनका इनका अंतर 1 और बी की पावर 6। लास्ट टर्म जाना है तो 7c7 ए की पावर 0 बी की पावर 7। अब किसी भी हमें ऊपर की टेबल या ऊपर की एंट्रीज से कोई भी मतलब नहीं है, आप इजली किसी का भी फार्मूला इजली लिख सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा है उसको हम कंक्लूड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस फार्मूले को कैसे जनरलाइज किया जाए। तो हमने देखा कि x प्लस ए की पावर n, तो पहला पद जब लिखने वाले हैं तो nc0। अब इसमें जो पहला पद है x, इसका डिफरेंस n-0, फिर जो दूसरा पद है a, उसकी पावर 0। ध्यान दें जैसे दूसरा पद लिखने वाले हैं सेकेंड टर्म, तो अब यहाँ पर 1 हो जाएगा तो nc1, x की पावर इससे इसका डिफरेंस n-1, फिर जो यहाँ पर सेकेंड पद आया 1, उसकी पावर 1, फिर nc2, x की पावर इसका अंतर n-2, a की पावर ये 2। ऐसे करते हुए आप अगर करते चले जा रहे हैं, अगर आपने बोला nc19 तो x की पावर इनका इनका डिफरेंस n-19 और ए की पावर ये वाला इंडेक्स जाएगा 19। अगर आप इनको ऐड करेंगे तब भी n आएगा, इनको ऐड करेंगे तब भी n आएगा, इनको ऐड करेंगे, तो जो भी x और a के इंडिसेस आ रही उनको सम करने पर हमेशा इसकी इंडेक्स n बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया कि x की पावर आपने लिखा n-17, तो आपको a की पावर उतनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि सम करने पर n बन जाए, तो यहाँ 17। अब ये 17 आया तो nc17। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कोई भी टर्म आपको लिखना हो। अगर आपने यहाँ पे r लिखना चाहा तो r, तो यहाँ पर भी क्या होगा r होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा r होगा। अब बिल्कुल लास्ट में जब जाएंगे तो nc n, x की पावर n-n और a की पावर n, तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेंशन में टर्म्स, हर टर्म्स का एक्सपेंशन करना, हर टर्म्स को वहाँ पे लिख पाना बहुत इम्पॉर्टेंट, जनरल टर्म लिख पाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन लिए हैं, आपको लास्ट में क्या करना है जब कंक्लूजन के राउंड पर हम ये आपको दे दे रहे हैं, आप ये एक्सपेंशन करके देख लें, अगर आप इनमें कंफर्टेबल हैं तो, यानी कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ देखते हैं कि x माइनस ए की पावर n का एक्सपेंशन मान लो करना हो, जहाँ पर अगर माइनस हमने यूज़ किया है तो उसको कैसे करेंगे, तो हमेशा हम इसको रीराइट करेंगे, दोबारा ऐसे लिखेंगे, बीच में हम हमेशा प्लस सी कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या सीखा था, nc0 जो पहला पद है उसकी पावर इसका डिफरेंस n-0, जो दूसरा पद है वो पूरा माइनस ए उसकी पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 माइनस ए की पावर 1, फिर प्लस जाएं nc2 x की पावर n-2 माइनस ए की पावर 2। अगर जनरल टर्म के लिए जाते हैं इसके तो ncr x की पावर n-r माइनस ए की पावर r, और लास्ट टर्म के लिए जाते हैं तो ncn x की पावर n-n और माइनस ए की पावर n। अब हम यहाँ देख लें तो पहला पद एक माइनस ए की पावर 0 पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस ए की पावर 1 निगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव फिर निगेटिव, अल्टरनेट चलते रहेंगे। बट प्रैक्टिस आप शुरुआत में ऐसे करें, बाद में जब आप बहुत बार ऐसा करते रहेंगे तो आपको ना ही याद करने की जरूरत पड़ेगी, आप इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इजिली किसी का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आप रटे नहीं, समझें कि एक्सपेंशन कैसे किया जा रहा है, बहुत ही कंफर्टेबली आप एक्सपेंशन कर पाएँ। अगर इसमें सहज हैं तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चंस अगर आ गया, आपने आसानी से लगा लिया, तो ये आपके लिए फेवर में ही जाता है। तो आप इसको धीमे धीमे आराम से समझें, और आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन पर इनको अप्लाई करेंगे।